नमस्कार लोकसभा चुनाव पर हमारे विशेष कार्यक्रम आपका वोट आपकी सरकार के संख में आपका स्वागत है मैं हूं राशिद अहमद खान आज हम बात करेंगे सतना टीकमगढ़ और दमोह लोकसभा क्षेत्र की जानेंगे इन क्षेत्रों में जनता के मुद्दे बात करेंगे वहां की समस्याओं की देखेंगे क्या है सियासी गणित इसके अलावा प्रशासन के द्वारा की जा रही तैयारियों पर भी डालेंगे नजर सतना दमोह और टीकमगढ़ में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है इन सीटों में प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है सभी राजनीतिक दल मतदाताओं तक पहुंचने की हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं वहीं निर्वाचन आयोग के सहयोग से लगभग सभी जिलों में स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता की गतिविधियां भी तेजी से चल रही हैं यहां 6 मई को वोट डाले जाएंगे आइए की शुरुआत करते हैं सतना लोकसभा क्षेत्र से पूरे सतना जिले को कवर करने वाले सतना लोकसभा क्षेत्र में कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह सांसद रह चुके हैं हालांकि कांग्रेस की ओर से जीत दर्ज करने वाले वे ही आखिरी नेता थे उन्नीस के चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी फिलहाल इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है और गणेश सिंह यहां के सांसद हैं पिछले तीन चुनावों से सतना में गणेश सिंह का ही जादू चलता आया है इस बार भी भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है वहीं कांग्रेस से राजाराम त्रिपाठी तो बसपा से अच्छे लाल कुशवाहा प्रत्याशी हैं पेश है एक रिपोर्ट सतना जिले में 6 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव की सभी तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा कर ली गई हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सत्यन सिंह द्वारा आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है छह मई को पंद्रह लाख तिरसठ हजार चार सौ पैंतीस मतदाता जिसमें आठ लाख पच्चीस हजार चार सौ चौदह पुरुष सात लाख उन्यासी हजार चौरानबे महिला और सत्ताईस थर्ड जेंडर एक हजार नौ सौ छियासी मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिले में अधिक से अधिक मतदान हो सके इसके लिए प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क किया जा रहा है जगह जगह चुनावी सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं। वहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं जिले में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है सतना संसदीय सीट में देखा जाए तो विगत पंद्रह वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है इन चुनाव में वर्ष 2004 में दूसरे स्थान पर कांग्रेस 2009 में बहुजन समाज पार्टी और 2014 में दूसरे स्थान पर कांग्रेस पार्टी रही है जिले में चुनावी प्रचार जोरों पर है मैदान में उतरे प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से आशीर्वाद मांग रहे हैं लेकिन जिले का मतदाता भी इस चुनावी समर परंपरा पर मौन रहकर हल्की सी मुस्कान बिखेर कर प्रत्याशियों की धड़कने भी बढ़ा रहे हैं आकाशवाणी समाचार के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी सतना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की सात सीटें आती है चित्रकूट नागौद रामपुर बघेलान महियर सतना और अमरपाटन फिलहाल इन सात विधानसभा सीटों में से पांच पर बीजेपी और दो पर कांग्रेस का कब्जा है यहाँ क्या हैं जमीनी मुद्दे और समस्याएं लोगों से बात की हमारे संवाददाता लाल बहादुर शास्त्री ने मेरा नाम रत्नेश पांडे है मैं सतना जिले के पिपरोखर गांव में रहता हूँ पढ़ाई भी करता हूँ और खेती किसानी भी करता हूं मेरे इस क्षेत्र में पानी की समस्या बनी रहती है गर्मी में वाटर लेवल नीचे चला जाता है जिससे पीने के पानी की समस्या हो जाती है मेरा नाम राम चौधरी है लोहरौरा का रहने वाला हूँ मैं बनी मजदूरी करके यहाँ अपना जीवन यापन कर रहा हूँ बिता रहा हूँ और मेरे गांव में पानी की भी समस्या है और मजदूरी करने की भी समस्या सभी समस्याएं हैं न तो कायदे का घर है न दरवाज़ा है और अपना पेट काट काट के अपना लड़का बच्चा अपना बिटिया पढ़ाते लिखाते हमने अपना आधा पेट खाया कैसों खाया हमारे पास एक बच्ची है आज तक उसकी नौकरी लगी है ना चाकरी लगी है हमने अपना मजदूरी कर करके कर उसको पढ़ाया लिखाया मैं नितिन शुक्ला हूँ और एक महाविद्यालय संचालित करता हूँ यहाँ पर नगर निकाय द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं ये गुणविततावहीन है इनमें ठेकेदार ने लाइनों को ट्रेंच कर दिया है उसके बाद रिस्टोरेशन नहीं किया है जिससे क्या हो रहा है कि आवागमन में बाधित हो रहा है साथ में पानी गिरने के बाद बरसात के सीजन में लोग उस पर गिरते हैं अतः इसमें सुधार की आवश्यकता है मैं सतना जिला का रह, रहने वाला हूँ लोहराऊरा गाँव का पानी की समस्या गड़बड़ है और कमाने खाने बाहर जाते हैं यहाँ कोई रोज़गार नहीं मिलता है सतना लोकसभा में चुनाव चरम पर है तो प्रशासनिक तैयारियां भी जोरों पर हैं इन तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता लाल बहादुर शास्त्री ने बात की जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सतेंद्र सिंह से सतना जिले में उन्नीस पोलिंग स्टेशन हैं जिसके लिए हमने एक सौ इक्यानवे सेक्टर बनाए हुए हैं और सभी सेक्टर ऑफिसर्स द्वारा मतदान केंद्रों का भ्रमण प्रथम चरण में कर लिया गया है हम लोगों ने दो तारीख से लेकर के और छः अप्रैल के बीच में सभी मतदान दलों के जो पीठासीन अधिकारी और पी वन हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा चुका है हमारी ट्वेंटी वन एस टीमें काम कर रही हैं और इसी तरह से 21 जो एफएससी टीमें हैं वो काम कर रही हैं तो पूरी तरह से जिला प्रशासन चुनाव के लिए कमर कस चुका है सामग्री वितरण का काम हम लोग सब डिवीजन स्तर से करेंगे और जिला मुख्यालय पर हम केवल रहेगाँव विधानसभा क्षेत्र की और सतना जो प्रापर की विधानसभा क्षेत्र है वहाँ की मतदान सामग्री का वितरण सतना मुख्यालय से करेंगे बाकी सभी विधानसभा क्षेत्रों का उनके उनके एस डी एम हेड से करेंगे तो इस प्रकार से सामग्री लेकिन वापसी का काम हम लोग पूरी तरह से यहाँ सपना मुख्यालय पे करेंगे हमारे पास पर्याप्त संख्या में ई वी एम और वी उपलब्ध हैं हमने फर्सी करा ली है और फर्स्ट एनमाइजेशन कायम हो चुका है विधानसभा वार मशीनें अलाट कर ली गई हैं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है और इलेक्शन की तैयारियां जो इलेक्शन की भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के जो निर्देश हैं उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है सतना लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिला निर्वाचन अधिकारी ने आकाशवाणी के जरिए भी लोगों से मतदान की अपील की लोकसभा निर्वाचन के दौरान मतदाता अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और जिले का मतदान प्रतिशत जो भारत निर्वाचन आयोग ने और जो राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने रखा हुआ है उसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश ये हैं कि इस बार पचहत्तर प्रतिशत से अधिक मतदान का लक्ष्य लेकर चला जाए उसके तारतम्य जिला स्तर पर तैयारियां की गई हैं लगातार स्वीप प्लान के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग इस लोकतंत्र के महा में अपने शत प्रतिशत मतदान करके लोकतंत्र को न केवल मजबूत करें बल्कि अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें आप सुन रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा विशेष कार्यक्रम आपका वोट आपकी सरकार कार्यक्रम में अब बात करते हैं टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र की गर्मी के बढ़ते तेवर के साथ ही टीकमगढ़ लोकसभा सीट पर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं 2008 के परिसीमन के बाद टीकमगढ़ लोकसभा सीट अस्तित्व में आई इस सीट में तीन जिलों टीकमगढ़ की तीन निवाड़ी की दो और छतरपुर जिले की तीन विधानसभा सीटें शामिल हैं, जहां कुल दो मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जानकारी दे रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता भवन जैन गर्मी की बढ़ती तेवर के साथ ही टीकों लोकसभा सीट पर राज्य सरगर्मियाँ तेज हो गई है यहाँ 6 मई को मतदान होगा 2008 के परिसीमन के बाद और सुरक्षित लोकसभा सीट अस्तित्व में आई इस सीट में तीन जिलों की आठ विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं जिनमें टिकौ जिले की तीन नवाड़ी की दो और छतरपुर जिले की तीन विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं जहां कुल दो मतदान केंद्र बनाए गए हैं यहाँ सोलह लाख तैंतालीस हजार तीन सौ इकसठ मतदाता हैं इनमें आठ लाख बहत्तर हजार पाँच सौ तिरसठ पुरुष और सात लाख सत्तर हजार सात सौ उनहत्तर महिला मतदाता हैं इनमें अठारह से उन्नीस वर्ष की चौबीस हजार पाँच सौ उनतीस एवा मतदाता पहली बार मतदान करेंगे इसके साथ ही सौ वर्ष की आयु पूरी करने वाले सताई हो चुके पैंसठ मतदाता टीकों और एवं नवाड़ी जिले में मतदान करेंगे वही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमण ने बताया है कि प्रशासनिक स्तर पर चुनाव के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने के लिए स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिनमें दीपदान साइकिल रैली चुनावी पाठशाला लोकगीत आदि के माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है प्रादेशिक समाचार के लिए टीकमगढ़ से जैन टीकमगढ़ कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि मतदान के लिए प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने के लिए स्वीप कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसमें दीपदान साइकिल रैली चुनावी पाठशाला लोकगीत आदि माध्यमों से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है टीकमगढ़ में मुख्य मुकाबला मौजूदा सांसद और भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र खटीक और कांग्रेस उम्मीदवार किरण अहिरवार के बीच है हालांकि प्रत्याशियों के वादे और दावों से अलग संसदीय क्षेत्र में लोगों के लिए अहम मुद्दे कौन से हैं और उनकी समस्याएं कौन सी हैं लोगों से बात की हमारे संवाददाता ने मैं दीपक अग्रवाल टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र का मतदाता हूँ यहाँ पानी की समस्या सिंचाई और मजदूरों के पलायन की सबसे ए, सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ के किसानों की हालात यह हैं कि पानी बरस गया तो खेती अच्छी नहीं बरसा तो भुखमरी राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा स्थानीय मुद्दों पर भी प्रत्याशियों को ध्यान देना होगा इस बार उसी को मतदान करूँगा जो स्थानीय मुद्दों को लेकर सामने आएगा मेरा नाम प्रेमंद विश्वकर्मा है मैं खेती किसानी करता हूं यह सही है कि पिछले कुछ सालों में टीकमगढ़ जिले में सिंचाई और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है लेकिन रोजगार के लिए मजदूरों का पलायन नहीं रुक रहा है मजदूरों के लिए काम नहीं है इस तरह ध्यान नहीं दिया गया दीपक जैन कॉलेज का छात्र हूँ इस लोकसभा के लिए पहली बार मतदान करूँगा मतदान के लिए उत्साहित हूँ छः मई की तारीख का इंतजार कर रहा हूँ चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं जो विकास और राष्ट्र हित की बात करेगा उसी के पक्ष में मतदान करूँगा आप सुन रहे हैं आम चुनाव पर हमारा विशेष कार्यक्रम आपका वोट आपकी सरकार आपका वोट आपकी सरकार में अब बात दमोह लोकसभा क्षेत्र की दमोह सागर संभाग का एक जिला और बुंदेलखंड अंचल का शहर है हिंदू पौराणिक कथाओं में राजनल की पत्नी दमयंती के नाम पर ही इसका नाम दमोह पड़ा वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक दमोह जिले की बयासी फीसदी से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है दमोह लोकसभा सीट पर पहला चुनाव उन्नीस में हुआ था तब यह सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित थी इस चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी और ज्यादा जानकारी के लिए पेश है ये रिपोर्ट उन्नीस में परिसीमन के बाद ये सीट सामान्य हो गई। उन्नीस और उन्नीस में भी कांग्रेस को यहाँ पर जीत मिली 1977 में दमोह सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई भारतीय लोकदल ने इस सीट पर जीत हासिल की 1980 में कांग्रेस ने यहां पर वापसी की कांग्रेस ने उन्नीस का चुनाव भी जीता बीजेपी को पहली बार इस सीट पर जीत उन्नीस में मिली लोकेन्द्र सिंह पहली बार यहां से जीतने वाले बीजेपी नेता बने उन्नीस में पहली जीत हासिल करने के बाद से बीजेपी को इस सीट पर हार नहीं मिली उसकी जीत का सफर लगातार जारी है दमोह के अंतर्गत विधानसभा की आठ सीटें आती हैं देवरी मल्हारा जबेरा रहली पथरिया हट्टा बंडा दमोह सीटें यहां पर आती हैं इन आठ सीटों में से सी चार पर कांग्रेस का कब्जा है तीन पर बीजेपी और एक सीट पर बीएसपी का कब्जा है दमोह सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है इस बार भाजपा ने सांसद प्रहलाद पटेल पर फिर से भरोसा जताया है वहीं कांग्रेस ने प्रताप सिंह लोधी को उम्मीदवार बनाया है आपका वोट आपके सरकार के लिए दमोह से आकाशवाणी संवाददाता अनिल जैन के साथ भोपाल से मैं दीपा आपका वोट आपकी सरकार के इस अंक में हमने टीकमगढ़ दमोह और सतना लोकसभा सीटों के बारे में बात की अगले अंक में हम रीवा खजुराहो और होशंगाबाद सीट के मुद्दे और समस्याओं पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार